कई एक नशस्तों में गुफ्तु आई आज के गुफ्तु में इशल्ला हम लड़की यानी औरत की राय लेने के ताल्लुक से गफ्तु फरमाएंगे आम तौर पर ये होता है कि हमारे माशरे में लड़की के अलावा घर वाले को उसके अकारब को उसके रिश्तेदारों को तमाम लोगों को बुलाया जाता है दिखाया जाता है उनकी राय ली जाती है अलबत्ता लड़की को उसके ताल्लुक से बताना न सिर्फ़ ये कि ज़रूरी नहीं समझा जाता बल्कि बताना मायूब समझा जाता है लोग इसे एब समझते हैं कि लड़की इसके ताल्लुक़ से जाने या फिर यह कि लड़की इसके ताल्लुक से सवाल करे जबकि मामला ये है कि निकाह दो शख्सों के दरमियान है मर्द औरत के दरमियान उनका मामला है लिहाजा उनकी राय और उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है इस्लाम ने कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया है नहीं लड़की पर के बिला मर्जी उसकी शादी की जाए और नहीं उसके अहल आयाल और उसके ज़िम्मेदारों पर के उनकी इजाज़त के बिना शादी कर दी जाए जहाँ तक लड़की से इजाज़त लेने का मसला है तो इस ताल्लुक़ से सबसे पहले जान ले कि दो तरह की लड़कियाँ पाई जाती हैं एक वो जिनकी शादी हो गई हो और फिर उसके बाद किसी सबब से वो फिर से बिला शोहर हो गई हो जैसे अल्लाह न करे किसी को तलाक वाक़ हो गई हो और उसी तरह से वो औरत जिसका शोहर वफ़ात पा गया हो ऐसी सूरत में इसको शादी शुदा औरत कहा जाता है या फिर ये कि मुतल़ा भी कहते हैं बेवा भी कहते हैं जहाँ तक शादीशुदा औरत का मसला है तो अगर वो शादी करना चाह रही है दूसरी शादी ऐसी सूरत में उसकी इजाज़त ज़रूरी और लाजिम है उससे पूछना लाजिम और ज़रूरी और वाजिब है बग़ैर उसकी मर्जी के कोई उसकी शादी नहीं करा सकता चुनानचे अब्दुल अब्दुल्बा रही फरमाते हैं कि मुखालिफन في सय ला لا يجوز हा वला अदिन इकवा हुआ निका कहा कि मैं इस मसले में मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि किसी ने इख्तलाफ किया है कि शादीशुदा औरत का निकाह उसके वालिद की या फिर उसके दादा या जो भी दूसरे वली हैं उनकी इजाज़त से ही होगा खा औरत राज़ी हो या ना हो ऐसा किसी ने नहीं कहा है. बल्कि इतफाक़ इस बात पर है कि औरत की रजामंदी अगर शादी शुदा है तो उसकी रजामंदी लाजिम है और उस पर कोई भी शख्स जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है इस बात पर इतफाक और इजमा नकल किया है इमाम इबन अब्दुल्बर रही ने अलबत् फरमाया किसनबसरी सिवाय हसन बसरी रही के फिन क्योंकि वह कहा करते थे निकाह जय के वालिद अपनी बेटी का निकाह कर सकता है यह जायज है बिकरन औ सीबा चाहे वो बाकिरा हो हो या फिर यह के सीबा शादीशुदा हो। हो उम तुकरा वालिद उसे जबरदस्ती करें या फिर यह के उसकी रजामंदी के साथ करें कहा कोई भी सूरत हो चाहे उसकी रजामंदी से हो या फिर यह के उसको मजबूर किया जाए वालिद की मर्जी है चाहे तो शादी कर कर सकता है जैसे चाहे लड़की राजी हो ना हो ये इमाम हसन बसी रहा का कौल है अलबत्म्ला ने इमाम हसन बसीमह के अलावा बाकी तमाम तमामा से यह नकल किया है वालिद के लिए या किसी भी वली के लिए जायज नहीं कि वो लड़की पर जबरदस्ती करे जब लड़की शादी शुदा हो यह इजमा है तकरीबन इमाम बबीर रहम्ला कहते हैं कि इतफ़ल तजवी जब सई बिल बती

रद्द कर दिया जाएगा निकाह गैर काबिल कबूल है दुरुस्त नहीं है फन निकाह मरदूद उन गैर मकबूल निकाह मरदूद है रद्द है और मकबूल नहीं है लिहाजा इमाम हसन बसी रही का यह फरमाना कि जायज़ है वालिदैन के लिए वालिद के लिए या फिर दूसरे वलियों के लिए कि सईबा या फिर यह कि गैर शादीशुदा इन पर ज़बरदस्ती करे इनको जबरदस्ती जहाँ जी चाहे वहाँ शादी करवा दे ये कौल मतरूक है ने इसे छोड़ दिया है और ये शाज के हुक्म है इसका कोई एतबार नहीं है अब रहा इसके दलाइल इसकी दलील क्या है कि शादी शुदा औरत का निकाह उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता है उसकी मर्जी जरूरी है उसकी इजाजत जरूरी है इसकी दलील इबन अब्बासमा की हदीस है फरमाते हैं अनबी सकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अल अहक मिन वलीहा अल मुराद अल मुरा से शादीशुदा औरत है शादीशुदा औरत अपनी की अपने वली के मुकाबले में ज्यादा हकदार है मतलब यह कि वो अपने बारे में अपने वली के मुकाबले में फैसला ले सकती है और उसका फैसला उसके वली के मुकाबले में माना जाएगा अगर मामला आ जाए कि एक शादीशुदा औरत का फैसला है उसके निकाह के सिलसिले में और उसके वली का फैसला है दोनों अलग अलग है तो शादीशुदा औरत का फैसला माना जाएगा अलबत्ता जो एक क्राइटेरिया बताया मैार बताया इससे पहले वो मैार देखा जाएगा तभी किसी के फैसले को मानने और ना मानने की बात की जाएगी ऐसा नहीं है कि शादीशुदा औरत किसी से भी शादी करने का कह दे गैर ईमान वाले से शादी करने का कह दे फासीको फाजिर से शादी करने का कह दे तो यहाँ उस वक्त ये बात वहां पर नहीं जमेगी और नहीं ये बात काबिल कबूल होगी कि ऐसी औरत से इजाजत ली जाए या फिर उसकी इजाजत को माना जाए बल्कि ये तब है जब सामने वाला जो शख्स है जिससे वो शादी करना चाह रही है वो नेक हो वो मैार पर उतरे तब जाकर के उसके और उसके वली में अगर हो जाता है तो उसकी बात मानी जाएगी एक दूसरी रवायत में है लातुन का उलमर के शादीशुदा औरत का निकाह उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक के उससे उसका हुक्म न तलब कर लिया जाए यानी जब तक वो हुक्म न दे दे यानी हुक्म से मुराद के इजाजत न दे दे मतलब ये कि इस लफ्ज के इस्तेमाल से इस लफ्ज़ के बयान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताना मकसूद है कि अपने मामलात में निकाह के जो उसके मामला है उसमें हुक्म उसका चलेगा हुक्म उसका चलेगा और उसके वली की राय उस पर जबरन या फिर जुलमा नहीं थोपी जाएगी तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्रम पर हत्ता अमर का लफ्ज इस्तेमाल किया यानी उसका हुक्म तलब किया जाएगा वो क्या हुक्म देती है एक तीसरी रवायत है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमायाबी निन मिन शादी शादीशुदा औरत अपने वली के मुकाबले में अपनी ज़ात की ज्यादा हकदार है यानी अपने ताल्लुक से खूसा निकाह से मुतक़ फ़ैसला वो ले सकती है और वली के मुकाबले में उसकी बात को तरजीह दी जाएगी ये अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं कि शादीशुदा औरत अगर बेवा हो जाए या मुतला हो जाए और फिर कोई दींदार शख्स उसको मिले और उससे वो निकाह करना चाह रही हो वाल या फिर दूसरे वली उसको मना करते हैं तो वली की बात नहीं मानी जाएगी ऐसी सूरत में उस औरत की उस शादी शुदा खातून की बात तस्लीम की जाएगी चुनानचे नबी अक्रम सल्ह वसम के ज़माने में ऐसा एक निकाह हुआ था हजरत खनसा बयान करती हैं अन अबा जब वजह वही सईब कि उनके वालिद ने उनकी शादी करवा दी थी और वो पहले से शादी के बाद बेवा हो गई थी या फिर ये के बेला शोहर हो गई थी फकर उन्होंने इसको नापसंद किया वजात इल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई रावी हदीस है फरमाते हैं कि फरद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके निकाह को मरदूद और गैर मकबूल करार दिया यानी निकाह बातिल ठहराया इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी सही में बयान किया है उलमा ने फ़र्क किया है कहते हैं कि शादी शुदा औरत अगर बालिग हो तो उसकी बात मानी जाएगी उसकी इजाज़त तलब की जाएगी और अगर गैर बालिग हो तो उसकी इजाज़त तलब नहीं की जाएगी जबकि हदीस में जो अल्फाज हैं उसमें लफ्ज़ आम है कहा अब अलम शादी शुदा औरत लिहाजा इस आम लफ्ज़ में वो औरत भी दाखिल होती है जो शादीशुदा हो और बालिग हो और वो भी दाखिल होती है जो शादीशुदा और गैर बालिग हो अभी बालिग नहीं हुई हो दोनों दाखिल है लिहाजा ये तफरीक करना हदीस के अमूम के खिलाफ है यानी हदीस का जो लफ्ज जिस पर दलालत कर रहा है उसके खिलाफ है दूसरी किस्म की औरतें वो हैं या लड़कियाँ वो हैं जिनकी शादी नहीं हुई है कुआरी लड़कियां या औरतें अगर लड़की कुंवारी है और उसकी शादी की जा रही है कहीं रिश्ता लगाया जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारा समाज उसके साथ बड़ा अजीब रवैया अपनाता है जैसा कि मैंने कुछ देर कबल भी अर्ज किया कि पूरी दुनिया को मालूम होता है कौन है कैसा है क्या जॉब है क्या पढ़ाई है ये तमाम लोगों को मालूम होता है दूसरे सभी जाते हैं उसको पसंद करते हैं वालदा जाती हैं वालिद भाई चचा दूसरे रिश्तेदार सभी जाते हैं सब देख के आते हैं अलबत् जिससे निकाह हो रहा होता है जिस लड़की से शादी हो रही होती है उसी को इल्म नहीं होता है कि उसकी शादी जिससे हो रही है वो कौन है कैसा है क्या वो उसे पसंद भी है या नहीं है क्या उसकी मर्जी है भी या नहीं है ये न उसे खबर दी जाती है और ना ही उससे इजाजत तलब की जाती है और ऐसा समझा जाता है हमारे माशरे में कि लड़की की इजाजत कुछ नहीं है मतलब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है लड़की क्या बोलेगी उससे क्या पूछना है हालांकि मामला उसका है साथ उसे रहना है जिंदगी भर उसे एक मैार देखना है वो किस तरह का शोहर तलाश कर रही है उसे कैसा शख्स चाहिए फिर ये के जिससे रिश्ता आपने लगाया है हो सकता है उसे वो पसंद नहीं आए क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और क्यों आप लड़की को इस मामले में ऐसा बना देते हैं जैसे वो एक बकरी है भेड़ है उसकी कोई राय नहीं है उसकी कोई पसंद नहीं है कि बाजार में लाया गया आवाज लगाई गई और आकर ग्राहक में खरीदार उठा करके ले गए वो लड़की है मामलात उसके हो रहे हैं वो कोई बेजान या बेजबान चीज नहीं है कि आप जैसे चाहें उसके साथ सलूक करें अगर ये इसलिए हो रहा है कि शरी अहकाम से ना वाकफियत है तो इल्म हासिल करें और अगर वाकफियत के बावजूद ऐसा हो रहा है और ऐसा किया जा रहा है तो दर हकीकत ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ी नाइंसाफी है चुनानचे इस ताल्लुक से वारिसशुदा अदीस मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा सुने और गौर करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कितना जोर दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु इस हदीस की रावी है कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल बिक्र तुस्तअज़न कुंवारी लड़की से इजाजत तलब की जाएगी कालत हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कुल तो मैंने कहा इन्नल बिक्रा तस्तहयी के कुंवारी लड़कियां वो तो शर्म करती हैं उन्हें शर्म महसूस होती है बोलने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़नुहा सुमातुहा उसकी इजाजत उसका खामोश रहना है इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी सही में नकल किया है एक दूसरी रवायत है सही बुखारी के अंदर ही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिदाहा सुमातुहा उसकी रजामंदी उसकी खामोशी यानी उसकी खामोशी रजामंदी की दलील है अगर वो खामोश रह गई सुन करके तो वो रजामंदी की दलील है एक तीसरी रवायत है ये भी सही बुखारी में है अन्हा है फरमाती हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लामर अब क्या औरतों से उनके निकाह के सिलसिले में इजाजत हुक्म तलब किया जाएगा पूछा जाएगा कि उसका क्या हुक्म है उसका क्या फैसला है उसकी क्या राय है कॉल नबी अक्रम सला ने फरमाया हाँ इजाजत तलब की जाएगी अमरुफ अगर बिक्र से कु लड़की से इजाजत तलब की जाए हुक्म उसका पूछा जाए उसकी रजामंदी पूछी जाए तो वो तो शर्म महसूस करेगी शर्माएगी

फरमाती है कि मैंने रसूल जिसकी शादी उसके घर वाले कर रहे होते हैं अतस्तामर अमला उसका हुक्म पूछा जाएगा उसका फैसला तलब किया जाएगा उसकी इजाजत तलब की जाएगी या नहीं नबी अक्रम सल्हलम ने फरमाया न हाँ उसका फैसला पूछा जाएगा उसका हुक्म तलब किया जाएगा तस्तही मैंने कहा कि वो तो शर्म कर, महसूस करेगी नबीम सरमाया फाइज नुहा इजाही सकत अगर वो खामोश रह गई तो यह उसकी इजाजत है और रवायत है जिसे माँ अब दाऊद रही ने अपनी सुनम में बयान किया है और अल्लाह रह ने इसे हसन सही करार दिया है फरमाया समतत फा अगर वो खामोश रह गई तब तो उसका निकाह हो जाना है उसकी रजामंदी की दलील है व इन अबत और अगर इनकार किया फला जवाज अलह तो फिर कोई जवाज नहीं बनता कोई रास्ता नहीं होता कि कोई राह नहीं बनती कोई किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो उस लड़की की शादी करे ये अहादीस इस बात की वाज दलील है कि लड़कियों से निकाह के वक्त रजामंदी तलब की जाएगी पूछी जाएगी इजाजत लिया जाएगा बिना इजाजत उसका निकाह सही नहीं है और नबी अक्रम अलैहि वसल्लम खुद भी जब अपनी लड़कियों का अपनी बच्चियों का अपनी बेटियों का निकाह आप करते किसी का पैगाम लेकर आते तो खुद भी इजाजत तलब करते चुनानचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अराद अन युज़व्विज शैअन मिन बनाति के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटियों में से किसी की शादी किसी के निकाह का इरादा करते जलसा इला खिदरिहा तो उनके कमरे के पास बैठ जाते फकाल कहते इन्ना फुलानन यज़कुरु फुलाना के फुला फला का जिक्र कर रहा था यानी उससे निकाह का इरादा जाहिर कर रहा था कहा वजुल आप जोर से कहते सुनाते और उस शख्स का नाम लेते अल्लदी जो उससे निकाह का इरादा कर रहा होता फ इन ही असक़त अगर खामोश रह जाती जब वजह तो निकाह कर देते व इन करत और अगर ये रिश्ता नापसंद होता करती तो पर्दे को खटखटाती पर्दे पर उंगली से नाखून से मारती फ़ारत जब वो पर्दे पर उंगली से मारती इस तरह से करती तो लम यूजहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शादी नहीं करवाते अब आप तस्वर करें ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इनसे बेहतरीन वालिद कौन हो सकता है और क्या इनसे बेहतरीन फैसला लेने वाला कोई मुमकिन है कि कोई हो और हो सकता है कोई जितना भी अपने बच्चों के लिए भला हो जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम तक बल्कि उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह करने जा रहे हैं अपनी बेटियों का तो इजाजत तलब तो कर रहे हैं और हम हैं कि कुछ नहीं समझते लड़कियों को बस एक चारा के तौर पर रखते हैं कि जिसे चाहे उसे उठा करके दे दिया उसकी मर्जी हो ना हो वो खुश है नहीं है उस रिश्ते से राजी है नहीं है आप अपनी लड़कियों के ताल्लुक से इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करें वो आपकी बच्चियां हैं खुश उन्हें रहना है निकाह उन्हें करना है साथ उन्हें रहना है इसलिए अल्लाह से डरिए और अपनी बच्चियों के लिए मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को निकाह और दीगर उमूर में दीन की समझ की अता फरमाए आमीन व आखिर रब्बिल आलमीन वसलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु. ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें.